बूजो और पहेली को आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, और बूजो पहेली को क्या समझा रहे हैं देखिए। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो वो पहले से कह रहे हैं बूजो कि भाई जो भी चीज़ आपको दिखेगी हर चीज़ खाने लायक नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो पॉइजनस हो सकती हैं, इसीलिए हर चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए। अब एक्टिविटी नंबर 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इनग्रेडियंट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। इससे पहले आपने जो टेबल 1.3 बनाई थी तो उसमें से उन फूड आइटम्स को चूज़ कीजिए, उनको सेलेक्ट कीजिए जिनके इन्ग्रेडियंट्स केवल क्या हैं, प्लांट हैं, जो प्लांट से बनते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन फिगर 1. एज शोन इन टेबल 1.4। तो टेबल 1.4 में आपको किनको लिस्ट करना है, जो कि अभी आपने देखा कि कौन से फूड जो इंग्रेडिएंट्स हैं प्लांट से मिलते हैं। तो अब एक्टिविटी 5 देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। तो आपके घर में चना या मूंग के सूखे बीज होंगे, ड्राई सीड्स होंगे, उन्हें लेना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। तो थोड़ा सा जो बीज हैं, थोड़े से बीज लीजिए, उनको एक किसी ग्लास में या किसी अन्य बर्तन में रख के उसमें फिर क्या करना है, उसमें पानी डाल देना है। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और उसे एक दिन के लिए रख देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। और अगले दिन क्या करना है, जो आपने पानी भरा है उस सारे पानी को गिरा देना है, हटा देना है, और केवल उस बर्तन में बीज ही रहने देने हैं। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। और उसके बाद जो बीज हैं सब, उन बीजों को एक गीले कपड़े में, वेट क्लॉथ, गीले कपड़े में आपने लपेट के रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। तो अगले दिन क्या आप कुछ बदलाव देखते हैं उन बीजों में। यहाँ पर देखिए दो पिक्चर्स आप देख सकते हैं, एक में ये मूंग के बीज हैं, मूंग के सीड्स हैं, और उसके बाद आप इस तरह के कुछ सफ़ेद रंग के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पानी में भिगाने के बाद जब हम एक दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको गीले कपड़े में लपेट के, तो इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। तो जो सीड्स हैं उनसे छोटे छोटे सफ़ेद रंग के स्ट्रक्चर दिखते हैं। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो हम ये समझ जाएं कि जो हमारे सीड्स हैं, जो हमने सीड्स रखे थे भिगाकर, वो स्प्राउटेड हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं, उनमें अंकुर आ गए हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। और अगर एक दिन के बाद आपके बीजों में स्प्राउट नहीं आए हैं तो आपको क्या करना है, दोबारा उन बीजों को थोड़ा सा धोना है और फिर पानी को अलग से गिराकर उसको एक दिन के लिए और छोड़ देना है। तो अगले दिन आप देखेंगे कि फिर से उसमें स्प्राउट आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये चने या ग्रैम के सीड्स हैं और इसमें ये स्प्राउट आप वाइट कलर के देख सकते हैं, कितने सारे स्प्राउट इसमें आ चुके हैं। तो फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, कवर विद अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो फिर आप वेट क्लॉथ से कवर करेंगे, अगले दिन देखेंगे सीड्स में स्प्राउट आ गए हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। इनको धोने के बाद आप आराम से ये स्प्राउटेड जो सीड्स हैं इनको आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक्स टू ईट। तो इनको आप उबाल भी सकते हैं, उबालने के बाद इसमें कुछ मसाले वगैरह डाल के, तो ये खाने के लिए बहुत टेस्टी होते हैं और साथ ही साथ पौष्टिक भी होते हैं। डू यू नो वेयर
हनी कम्स फ्रॉम, हनी मीन्स शहद, तो आपने क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस या कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बी हाइव, अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा जहाँ बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो बजिंग, इस तरह की एक साउंड आती है जो उनके पंख से आती है, उसे बजिंग साउंड बोलते हैं, तो वहाँ दिखती है। बीज कलेक्ट नेक्टर, तो नेक्टर को एक तरह से आप पराग कह सकते हैं, तो जो जो ये मधुमक्खियाँ होती हैं पराग को इकट्ठा करती हैं। स्वीट जूस जो कि मीठा होता है, कहाँ से इकट्ठा करती है, फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से इकट्ठा करती है। कन्वर्ट इट, फिर कन्वर्ट किस में करती है, इनटू हनी, हनी में कन्वर्ट करती है शहद में, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने छत्तों में उनको जमा करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द एयर। अब जो फूल होते हैं साल भर तो होते नहीं, किसी विशेष समय में होते हैं, और उनमें जो नेक्टर होता है वो भी फूलों के साथ ख़त्म हो जाता है। तो सो बी बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द एयर, इसीलिए मधुमक्खियाँ इस नेक्टर को जमा करती हैं जिससे कि वर्ष भर उनका काम चल सके। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. और जब हमें भी कभी भी मधुमक्खी का छत्ता दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद को निकाल लेते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बीहाइव दिख रहा है, मधुमक्खी का छत्ता, ये देखिए, और इस तरह से उसके अंदर शहद जमा रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।